नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हिंदुस्तान स्काउट गाइड और कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना के संयुक्त तत्वाधान में झूम तराना कार्यक्रम का आयोजन 2 अगस्त से 6 अगस्त तक पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में किया जा रहा है। वहीं आज इस कार्यक्रम में ड्राइंग और पेंटिंग का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 150 बच्चों ने रायपुर समेत अन्य जिलों के भी बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर छात्रों के द्वारा पेंटिंग बनाया गया। कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना के डायरेक्टर और हिंदुस्तान स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि यह कार्यक्रम 6 अगस्त तक आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश भर से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में 64 अलग अलग कलाओं में प्रतिभागी प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता को 6 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना द्वारा आयोजित झूम तराना कार्यक्रम में हम दीनदयाल ऑडिटोरियम में हैं। आइए बात करते हैं कुछ बच्चों से और क्या सीखा और क्या बनाया उन्होंने। आप कहाँ से आए बेटा? मैं गीतिका जैन विचक्षण जैन विद्यापीठ कुम्हारी से आई हूँ। मेरा टॉपिक था एजुकेशन फॉर ऑल। अमीर हो, गरीब हो, चाहे लड़की हो, लड़का हो, हर किसी को एजुकेशन का हक है और उनको मिलना चाहिए। कैसी भी स्कूल हो, कुछ भी हो, हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती, वैसी ज्ञान भी हर पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। बहुत अच्छा लगा। और क्या बनाया आपने ड्राइंग? सेव एनवायरनमेंट का। उसका मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना। कैसे रख सकते हैं सुरक्षित? हम पॉल्यूशन ना करके और सारे मतलब कि सब जगह को साफ रख के। जी। मैं द रेडियंट वे स्कूल से आई हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजना जैन है। आप आज झूम तराना में आए, आपको क्या टॉपिक मिला था पेंटिंग में? मुझे सेव द एनवायरनमेंट टॉपिक मिला था, मैंने उसमें ड्राइंग भी की थी। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा झूम तराना में आके? क्या बनाया, क्या टॉपिक मिला था? हम लोग ने सेव एनवायरनमेंट में बनाया, बहुत अच्छा था, मज़ा भी आया बनाने में। सेव गर्ल चाइल्ड और सेव एनवायरनमेंट दो टॉपिक मिले थे हम लोगों को, मैंने सेव एनवायरनमेंट में बनाया था। कैसे बचाए हम एनवायरनमेंट को, क्या बनाया? और मोर प्लांट्स को हम लोग प्लांट करें और ग्लोबल वार्मिंग कम करना पड़ेगा और पोल्यूशन जितना उसको और कंट्रोल करें और तो बहुत सारे। प्लास्टिक यूज़ करती हो? कम यूज़ करती हूँ। क्यों, अब तो बैन हो गया, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा है? तो थोड़ा बहुत सामान जो पहले से उसको थोड़ा अभी हटाए, वो धीरे धीरे जाएगा। देखिए, झूम तराना जो है एक सोच है, केवल तराने को ही झूमना नहीं है बल्कि ऑलराउंड डेवलपमेंट है बच्चों का। और आप जान रहे हैं कि अगर बच्चों को स्कूल में एक खास विधा में उनको डाल देना, पुस्तकों को पढ़ाना, टीचर्स का पढ़ाना, ये तो एकांगी विकास है। विकास ये है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर कि आपको देखेंगे कि उनके अंदर तमाम कलाएं छिपी हुई हैं। अब उस कला को बाहर कैसे देखा जाए, लोग कैसे देखें, उनके माता पिता कैसे देखें, समाज कैसे देखे, और ये इन बातों से वो कितने उत्साहित होते हैं, ये विचार आया। उसका एक छोटा सा हिस्सा ये डिस्प्ले ऑफ द ड्राइंग्स है, उनकी पेंटिंग्स है। अब देखिए, अगर 200-250 बच्चे शॉर्ट नोटिस पर जुड़ जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे अगर अपनी ड्राइंग और पेंटिंग वो दिखाते हैं, तो लगता है कि सच में ये बच्चे हमसे कितने आगे हो गए। आगे क्या कार्यक्रम है झूम तराना? आगे उसके बाद से इनके गायन के होंगे, फिर उसके बाद से क्लासिकल, और उसके बाद से फिर इनके एक दिन होगा जिसमें डांस होंगे, डांस में भी कथक होगा, भरतनाट्यम होगा, उसके बाद से ग्रुप डांसेज होंगे। ये हमारे समझ से 6 को लास्ट है और कल से फाइनल है, मैं कल से इसका इनॉग्रेशन है। तो ये जो 4 दिन हैं, आप लोगों को टाइम मिले, इसलिए नहीं, आप लोग तो खैर इस विधा में लगे हुए हैं, मस्ट कम एंड मस्ट एंजॉय। क्या बात है उनके में, क्या जो हम सोचते नहीं कि बच्चा जो ऐसे दिख रहा है। बहुत अच्छा लगा, और ऐसे एक प्रोग्राम मैंने इस रायपुर क्षेत्र में तो नहीं होते थे पहले, अभी इस KPS के द्वारा ये मैंने किया गया है और आगे भी होता ही रहेगा, भगवान करे। बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि बच्चे अपनी मेहनत ऐसी जारी रखें और आगे बढ़े, क्या बोलूँ, है ना, आशीर्वाद है मेरा बच्चों। कैसा लगा आपको पेंटिंग देख के? बहुत अच्छा, अद्भुत। सबसे अच्छा कौन सा लगा?
वो मैंने बच्चों का उतना विशेष देखा नहीं, पर सबका बहुत अच्छा लगा। बच्चों का जो प्रयास था मैंने कुछ खास नहीं, जैसे उनको दिया गया था विषय अर्थ सेविंग का या गर्ल चाइल्ड सेविंग का, उस हिसाब से बच्चों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये जो टीचर्स ने बनाया वो तो अद्भुत अद्भुत, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। और बाकी और बाकी प्रोग्राम जैसा बताया सर ने, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं और मस्त सी, आप लोगों को देखना चाहिए, बहुत अच्छा। झूम तराना का जो कंसेप्ट था वो ये था कि रायपुर में लोगों के बीच में कलाओं के संबंध में उनको जागृत करना, ये उसका सोच था। तो हमने सोचा कि पहली बार कि एक बार स्टार्ट कर दिया जाए ये प्रोग्राम, जिसमें हमने फर्स्ट टाइम जो आज का दिन था वो ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन रखा, जिसमें 145 बच्चों ने भाग लिया। और साथ में हमने एग्जीबिशन भी रखे, और एग्जीबिशन हमारे अपने टीचर्स के ही एग्जिबिट्स हैं, और आप देखेंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर वो एग्जिबिट्स हैं। अब आगे के प्रोग्राम में ऐसा है कि कल से 3 तारीख से नाट्य एवं मतलब नृत्य एवं गायन का हमारा कंपटीशन स्टार्ट होगा, जिसमें 450 बच्चों ने अपनी एंट्री दी है। आप लोग, मेरा तो निवेदन होगा रायपुर शहरवासियों से कि सभी लोग आप लोग आएँ, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, इसकी 1500 कैपेसिटी, आप लोग आएँ और आनंद लीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, तो आप लोग इस बीच आकर इसका मज़ा लें। और एक बात और बताना चाहूँगी, हमने इस सारे प्रोग्राम में 100 गुरुओं का सम्मान भी करना है, तो हमने गुरुओं का भी सम्मान रखा है इसमें। देखिए, सर्वप्रथम धन्यवाद आपको आने के लिए और इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान स्काउट गाइड के नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में मुझे पूरे देश में घूमने की अवसर मिला, लेकिन मैंने जब देखा बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चों की गुण और बच्चों के प्रेजेंटेशन, तो हमारे समय से जो हमारा बचपन था उससे कई गुना आगे आज के बच्चे हैं। और बच्चे जब अपने मन की भावनाओं को कागज पर उकेरते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश वो समाज को दे सकते हैं। आज के समय में जो बच्चे देश के भविष्य हैं, उनके अंदर संस्कार को भरने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कोरोना के पीरियड में वो 2 साल कंस्ट्रक्टिव ना होते हुए डिस्ट्रक्शन की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि उनके पर हर तरीके से बंधन था। अब ये अच्छा हुआ है कि थोड़ा कोरोना खुला है, बच्चे बाहर निकले हैं, बाहर की चीज़ों को समझ रहे हैं, और समझने के बाद वो वापस अपनी ज़िंदगी को पटरी पर ला रहे हैं। ड्राइंग कंपटीशन झूम तराना महोत्सव के अंतर्गत हुआ, इसकी बहुत अनुमोदना करते हैं, और इस तरीके का प्लेटफॉर्म हमारे जो बच्चे हैं उनको मिला है और उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मैं KPS सरोना की पूरी टीम, राकेश मिश्रा सर और प्रिंसिपल मैडम, सभी को, पूरे KPS के स्टाफ को, सभी को मैं बधाई देता हूँ कि इस तरीके का आयोजन उन्होंने गत वर्ष भी कराया था और इस वर्ष भी कराया, और इस तरीके के आयोजन वो लगातार कराते रहते हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जी, मेरे बच्चे, 2 बच्चे पढ़ते हैं KPS सरोना में, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं KPS सरोना में, मेरी गुड़िया जो है छोटी वाली आज पार्टिसिपेट हुई है, और आज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं कामना करता हूं कि भविष्य में ये बहुत आगे बढ़ेगा और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या मानते हैं इस प्रकार की प्रतियोगिता से बच्चों को क्या मिलता है, कैसा लाभ मिलता है? पहली बात तो उनको जो अंदर का जो वो रहता है झिझक वो दूर होता है, और उनको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन मिलता है इससे। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे 2 टॉपिक्स था, बच्चों का सेव एनवायरनमेंट पे था और सेव गर्ल चाइल्ड पे था, और दोनों ही टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें कि बच्चे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आर्ट वही है जो हमारे मन में होता है, हमारा भाव होता है, वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ही प्लेटफॉर्म है। और मुझे लगता है कि ये सभी स्कूलों को इनिशिएटिव होके और ऐसा पार्टिसिपेशन बच्चों का लेना चाहिए, ताकि वो अपने आप को और अपनी चीज़ों को अपने ड्राइंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।